करेंगे। धन्यवाद। सब दिशा निर्देश इसके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। ये टूर्नामेंट सर लीग का नॉकआउट बेसिस पे खेली जाएगी। हर एक टीम में 3 पूल बनाए हुए हैं हमने। 12 जोन है हमारे, 12 टीमें हैं हमारे पास। सबसे पहले इनकी ट्रायल हुए थे जोन लेवल पे। हर एक जोन के अंदर मैक्सिमम जो हमारे थे 235 भी बच्चे हुए, लेकिन मिनिमम पार्टिसिपेशन हर जोन के अंदर जो थी वो 200 प्लेयर्स की थी, 2000 प्लेयर। और सर 2161 बच्चे जो है हमारे पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, ये सभी बच्चे उनमें से हर जोन के 16 प्लेयर जो एक एक टीम है वो चुन के सिलेक्ट होके यहाँ आएगा। और सर इसका आज से शुभारंभ होने जा रहा है और ये 3 तारीख तक चलेगी हमारी टूर्नामेंट। इसके लिए हमने सर जिला कठुआ की तरफ से और खासकर डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की तरफ से मैं जितने भी इधर आए हुए हैं प्रतिभागी जो हमारे प्लेयर्स हैं, मैं इन सबका वेलकम करता हूं, इनको बेस्ट विशेस देता हूं कि ये जहां से खेल के चुन के इधर आए हैं, जैसा कि मुझे बताया गया आज हम जेके एलजी रोलिंग ट्रॉफी का इनॉग्रेशन इधर से कठुआ से करने जा रहे हैं। इसका ई इनॉग्रेशन हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब ने 22 तारीख को किया था, श्रीनगर से किया था, जहां पे हमारे ज़िले के लोग भी जुड़े थे। और मुझे बताया गया कि जो हमारी ज़िला है ये 12 जोन्स में डिवाइड किया गया है स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए। उन्हीं 12 जोन से ये बच्चे खेल के प्रतिस्पर्धा में भाग लेके और वहाँ से जीत के आज ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुँचे हैं। और पैरेलल ही 3 वेन्यूज पे ये जो खेल हैं, जो कंपटीशन हैं किए जा रहे हैं। एक हमारा जो स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं, इसके साथ ही हमारा पीटीए स्टेडियम और थर्डली हमारा हीरानगर स्टेडियम। तो इन बच्चों के इन्हीं मैचेस में से फिर सिलेक्शन के बेसिस पे एक टीम चुनी जाएगी जो ज़िला को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये बड़ी अच्छी बात है जो हम देख रहे हैं। ये जो जेके एलजी साहब की रोलिंग ट्रॉफी है, इससे हम स्पोर्ट्स को एक नया आयाम, एक नई दृष्टि दे रहे हैं, एक नई कंपटीशन की भावना बच्चों में आ रही है, जो कि बड़ी ज़रूरी है। जैसा हम देख रहे हैं कि आप लोग भी जानते हैं, मेरे मीडिया के बंधु हमारे इस बात को देखेंगे क्योंकि उनका इस प्रचार प्रसार में बहुत अहम भूमिका है, जो नशा मुक्त अभियान हमारा साथ साथ में चल रहा है। तो उसके साथ ही ये जो कड़ी है, हमने बच्चों को जो इन्वॉल्व करना है खेलों में, ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ खेलों में रुचि दें, और ये जो फिजूल की चीज़ें हैं, जो नशे की तरफ हमारा यूथ जा रहा है, उसको अवॉइड करें, उस रास्ते में ना चलें। तो हमें अपने यूथ को एक एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो मैं ये जितने भी बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन नहीं, ये हमारे ज़िले के एम्बेसडर्स हैं, हमारे मैसेंजर्स हैं लोगों के लिए, अपनी पंचायतों में, अपने गांव में, जहां पे भी ये अपना ये मैसेज ये देना चाहते हैं या प्रसार करते हैं कि बच्चों को अपनी एनर्जी जो है, अपनी जो ऊर्जा है वो चैनलाइज करनी चाहिए स्पोर्ट्स के माध्यम से या पढ़ाई के माध्यम से, ना कि हम गलत आदतों का शिकार हों, एक पीयर प्रेशर में गलत आदतें चुनें, ना कि अपने आप को भी इससे बचाए और दूसरे हमारे जो साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, उनको भी इस चीज़ से ये दूर रखा जाए कि भाई नशे की तरफ ना जाके। जो किक जो हम बड़ी आज सुनने में आता है कि हम क्यों नशे में जाते हैं, बच्चे किक मिलती है, वही किक जो है वो नशे की बजाय स्पोर्ट से लें। हम देखते हैं कि जब एक एथलीट से पूछा जाता है कि तुम जब मैराथन करते हो 10-12 किलोमीटर दौड़ते हो तो तुम्हें क्या मजा आता है, वो कहता है कि जो मुझे 12 किलोमीटर का या कोई भी टारगेट जो जब हम कवर करते हैं तो जो किक महसूस करते हैं वो उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो यही हमने लोगों को बताना है कि ये नशे की तरफ ना जाके इस तरफ आए। तो रही स्पोर्ट्स की बात, मैं महकमे का खास तौर पे हमारे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का इनको बधाई भी दूंगा और इनका शुक्रिया भी करूंगा जिस तरीके से ये खेलों के प्रचार प्रसार को लेके ज़िले में एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया, अब ये जो शेड्यूल है ये बड़ा इनका बैक टू बैक शेड्यूल है और 3 वेन्यूज़ पे हो रहा है। तो मैं सभी जहाँ पे आए हुए पार्टिसिपेंट्स प्रतिभागी हमारे जो खिलाड़ी हैं सभी को यही बोलूंगा कि ये कंपटीशन की भावना के साथ खेलिए और हेल्दी कंपटीशन की भावना के साथ खेलिए
और मेरी तरफ से तो यही रहेगा कि वो अच्छा नहीं खेल रही, उन्होंने कंपटीशन दिया, स्पोर्ट्स को किया, हर किसी का दिन होता है, तो मैं इसी बात को लेके बेहतरीन ऑलराउंडर रहे हैं लखनपुर टीम के। एक और रन दिलावर की टीम के साथ।